आज का दिन द वेरी स्पेशल द वेरी रेयर वन एंड वन इन पाकिस्तान सुजुकी जिमनी की लिमोजीन के नाम। दोस्तों ये गाड़ी एक ही मैंने अभी तक ऐसी देखी है, मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था। वेरी स्पेशल सुजुकी जिमनी की लिमोजीन बनाई हुई है और एप्रिसिएशन बनती है इस पर, क्यों नहीं बनती कि एक डिफरेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कल वो गाड़ी बिकेगी नहीं। अब इन्होंने मुझे नहीं पता किस ये घर से तैयार कराई है, मगर एप्रिसिएशन बनती है सुजुकी जिमनी की लिमोजीन। मैंने यहाँ वेट काफ़ी किया, ये एक दुकान पे आई हुई थी गाड़ी, मगर वो बंदा नहीं मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं आपको वरना अंदर से दिखा देता गाड़ी। कोशिश इन्होंने काफ़ी अच्छी की है, सीटें वीटें भी लगा के, शीशा इनको मेरा ख्याल है इसके दरमियान वाली जगह नहीं मिली, ये फिर नट बोल्ट शीशा लगा लिया, क्या लगाया। दोस्तों ये गाड़ी देख के खुशी भी होती है, और दूसरा ये कि एक दुख भी होता है कि हमारे मुल्क में वसाइल ना होने की वजह से, जहालत की वजह से, इम्पोर्ट बंद होने की वजह से और महंगाई इतनी होने की वजह से कि यहाँ अगर किसने भी गाड़ी तैयार करानी है और मशीनरी ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से, ये कि ये गाड़ियाँ फिर लोकल, जब आपको पता है यहाँ के डेंटर पेंटर बनाते हैं, वेल्डर बनाते हैं, तो उसमें फिर गंदी मारते हैं। अब मैं तो देख रहा हूँ ये गाड़ी लाइव इस टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ, एप्रिसिएशन ज़रूर बनती है दोस्तों। मैं नहीं कहता, बंदे का मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, जिसकी भी है मैं ज़रूर अंदर से दिखाता अगर वो होता और उसके सामने भी ये कहता बात। अब देखो ना, ये देखो आपको स्टिक, ये मतलब टेपे लगी हैं, देखो पेच लगे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ें कोई पायदार, कोई जिस तरह अमेरिका में होती है, मतलब आप देख लो और कंट्रीज यूरोप में होती है, मतलब इसकी मॉडिफिकेशन बिल्कुल मुझे ना समझ नहीं है। ये सिर्फ इसी वजह से, जहालत की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, इम्पोर्ट बंद होने की वजह से, ये देखो ना ऊपर से क्या हाल, मतलब किस तरह इन्होंने जोड़ी, जिस तरह कहते हैं ना हाथों से जोड़ी हो, तो जी भी वेल्डिंग और इसके भी कई निशान नज़र आ रहे हैं इधर। तो ये कि इसका दोस्तों फिर अफसोस ही कर सकते हैं, और साथ में खुशी ज़रूर है। अब ये मुझे नहीं पता इन्होंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए किए या अपने चलाने के लिए, खैर जो भी है गाड़ी अच्छी है, दिल को खुशी हुई, मगर ये कि अगर जहर पता इसकी इंडस्ट्री होती या प्रॉपर काम होता तो ये आपको नेक्स्ट लेवल की ये गाड़ी लगती। फिर भी द ओनली वन एंड वन इन पाकिस्तान, ये मैंने नहीं देखी। यहाँ शोर बहुत था दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया। और लोकेशन दोस्तों ये लाहौर में गाड़ी, अब इसकी मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि ये चलती फिरती गाड़ी है, इसका अब मुझे तो नहीं पता इनका घर कहाँ पे है इसीलिए। और वीडियो के लिए मैंने परमिशन इनसे ज़रूर ली थी, जिस ये शॉप पे आई थी, एक टायरों वाली शॉप पे आई हुई है ये गाड़ी। तो ये देख लो दोस्तों, द ओनली वन इन वन पाकिस्तान, आपकी नज़र में भी कोई ऐसी गाड़ी, कोई स्पेशल, कोई तैयार की हुई, कोई लिमो, कोई लिफ्टेड, कोई चीज़ और भी, कुछ स्क्रैप और भी किसी किस्म की कोई चीज़ हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वहाँ आके भी प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। बाकी शोर रश देख लो आप, बंदे ऊपर से गुजर रहे हैं, तो ये कि इधर मेरा ख्याल है ज़्यादा मैं वीडियो अब नहीं बना सकता, बाकी कमेंट लाजमी कर दिया करना, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। आपकी नज़र में भी कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी हो दोस्तों मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वहाँ आके भी वीडियो बनाएंगे। और ये है कि वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मैंने प्लान की हैं, आपके शहर भी बहुत जल्द आऊँगा। और ये कि मुझे बता देना कमेंट, इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा, देर से देर ज़रूर होती है, दुआ में रखिएगा, ऐसी बहुत सी वीडियोस और काफ़ी कुछ लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।